शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं उनका दिल ही तोड़ना चाह रहा था, that's not what I meant। आजकल तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आती। समझ गया मैं। या के ड्रम बजाओ। चलता हूँ डैड। जो बात करने आया था वो बात किए बगैर चला जाएगा। ओए बापू मैं तेरा, इस गोद में बड़ा किया है तुझे। बोलना भी नहीं आता था ना, तब भी तेरी जुबान समझता था मैं, और आज भी तुझे समझने के लिए तेरे शब्दों की जरूरत नहीं है मुझे। ओए तुझे तो सीने से लगाते ही मैं समझ गया था कि तेरे दिल में क्या है। कौन है वो लड़की? सपना। ओए बस तो जल्दी से जल्दी उसे हकीकत में बदल दे। हाँ डैड, लेकिन अरे यार इस लेकिन का रिश्ता तो प्यार के साथ सदियों से चला आ रहा है। जब भी प्यार करने वाले दो दिल एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते हैं, ये साला लेकिन दीवार बन के बीच में आ खड़ा होता है, कभी किसी शक्ल में तो कभी किसी शक्ल में। लेकिन प्यार में जीत उसी की होती है बच्चू जो रास्ते में आने वाली हर दीवार को गिरा दे। तो दिल के मामले में दिल से काम ले बेटा, और कूद जा प्यार के मैदान में। चढ़ रहा था तू, मैं छेड़ने की जानता है किसकी बहन है, अब जानता है किसकी बहन है। सुनिए एक भू अंदर जा, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए ऐसी कोई बात नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए। गलती हमारी है, शायद हम ही हमारी औलाद को अच्छे बुरे में फर्क करना नहीं सिखा पाए। जिस आदमी ने हमारी बच्ची की जान बचाई उसी पे हाथ उठा दिया तुमने, अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हैं साहेबजादे? चलिए माफी मांगिए इनसे। सॉरी गलती से हाथ उठ गया। अरे नहीं नहीं उल्टा अच्छा हुआ, अच्छा हुआ हाथ उठा, वरना कहीं बंदूक बंदूक उठ जाती तो मैं तो तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका ही नहीं मिलता। क्या नाम है तुम्हारा? जी रोहित। देखो रोहित, तुमने जो हमारी फूल जैसी बच्ची की जान बचाकर जो हम पर एहसान किया है उसका बदला तो मैं चुका ही नहीं सकता, फिर भी मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा है, रख लो। अरे नहीं नहीं ये सब ये आप रखिए, इसकी क्या जरूरत है? रख लो बेटा, दिल से दे रहे हैं। जी मैं उनका दिल ही तोड़ना चाह रहा था, that's not what I meant. It's not what I meant. कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अगर ऐसी बात है तो अब एक
एक बात है सर। क्या बात है? सर बात यह है कि एक्चुअली सर ये सब नवरात्रि से शुरू हुआ है सर। अब मैं समझाता हूँ सर, लेकिन आप नाराज तो नहीं होंगे ना सर? क्या शुरू हुआ है? पता नहीं सर, मैंने कभी ऐसी बात की नहीं, कोशिश करता हूँ सर, लेकिन आप नाराज तो नहीं होंगे ना? अरे नहीं होंगे यार, बोलना। सर एक्चुअली सारा चक्कर सुबह 7 बजे की क्लास का सर। सर मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जो बैंड है ये हमारा नहीं सर, ये इमरान का है, और इमरान वो तो किसी का नहीं। शो खत्म होते गेट पर पहुंच जाता है और अपने पैसे जेब में रखकर दफा हो जाता है, और बच जाते हम जिन्हें आधी रात को नेशनल कॉलेज के हॉस्टल पहुंचना पड़ता है सर, कंजून मार्ग। मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मेरे पास तो बाइक है और अखिलेश भी मेरे साथ पीछे बैठ जाता है सर, लेकिन बच जाते हैं तीन सर, वो नीलेश, मधु और सैंडी सर। तो उन तीनों को बैंड से निकालना है? अरे नहीं नहीं, उनको बैंड से निकाल दो तो अपना तो बैंड ही बच जाएगा। नहीं सर, प्रॉब्लम ये है कि मैं उनको अकेला छोड़कर तो नहीं जा सकता सर। सो हम पहुंचते हैं बस स्टॉप, लेकिन तब तक लास्ट 101 जो होती है वो जा चुकी होती है, और 202 की आने की कोई उम्मीद नहीं होती सर। वो रात को सर्विस 2-2 घंटे की होती है ना, तो हम फाटक क्रॉस करके अंधेरी ईस्ट तक पहुंचे सर, लेकिन तब तक पैदल पहुंचते पहुंचते सर भूख लग जाती सर। मुझे नहीं सर, मुझे भूख भूख नहीं लगती सर, लेकिन वो नीलेश, मधु और सैनी सर। तो फिर ऑमलेट? तो ऑमलेट चाहिए बेटा। ऑमलेट नहीं सर, व्हाट नॉनसेंस, ऑमलेट वाले तो वहां पर 2 पैकेट सर, एक बटर में बनता है और एक तेल में सर, लेकिन तेल वाला खाने से गला खराब हो जाता सर, और अगर बटर वाला खाओ तो 1603 ₹48 खर्च हो जाते सर। तो क्या बटर चाहिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप, उतने पैसे तो हमारे पास होते हैं, लेकिन सर इतने पैसे नहीं होते कि वहां से ऑटो रिक्शा पकड़कर सीधे हॉस्टल तक पहुंच पाए सर, क्योंकि ऑटो वाला साला जाने के लिए आने का भी भाड़ा मांगता है। तो सर 390 पकड़कर हम 5 बजे सुबह हॉस्टल पहुंचते सर। मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, मैं तो 5 बजे सो के 6 बजे उठ जाता हूं सर, नो प्रॉब्लम, लेकिन 3 बज जाते हैं सर, वो नीलेश, मधु और सैंडी। करेक्ट, उनकी जो 7 बजे की क्लास है ना सर, वो मिस हो जाती सर, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। तो तुम्हें प्रोग्राम के बाद वापस जाने के लिए टैक्सी चाहिए? सर टैक्सी नहीं सर, ऑटो, ऑटो रिक्शा सर, क्योंकि मेरे पास तो बाइक है ना सीबीसी, बस वो तीनों के लिए सर, वो नीलेश, मधु और सैंडी। कमाल का लड़का है भाई। ये तो हुआ तुम्हारे दोस्तों का, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तुम्हें? हमारी बेटी की जान बचाई है, कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। सर मेरे दोस्तों को मिल गया, समझो मुझे मिल गया सर, और जहां तक आपकी बेटी की जान का सवाल है तो उसकी कीमत कोई क्या लगाएगा सर। बहुत अच्छी बातें करते हो। थैंक यू सर। अब मम्मी डैडी से सीखिए सर, अब वो यहाँ पर नहीं रहते सर, लेकिन मैं यहीं पर, ये नेशनल कॉलेज है ना सर, उसी के बॉयज हॉस्टल में सर, 2nd floor 428, और अगर फोन करो तो शेट्टी है सर, वो इन्फॉर्म कर देता है, 8484448। आसान है, श्री राम जय राम जय जय राम। सर अगर वहां से कभी गुजरना हो तो आइएगा जरूर सर, मुझे अच्छा लगेगा। कौन कितना खाता, तुम कुछ नहीं लिखता, कुछ कुछ बोलता नहीं, वहां पर मैंगलोर भेजता हमको, सब फोकट में खाता रहे, चल हट रहे हट रहे, आता रहे आता आता आता। हेलो 8484448। हाँ बोलो। क्या मैं रोहित से बात कर सकती हूँ? कौन रोहित, कौन बोलते तुम? जी जी मैं सपना। कौन सप सपना बोले तो रोहित वाला, हम रोहित का बेस्ट फ्रेंड है शेट्टी बोलता है। एक मिनट रुकना, आप ही बुलाता मैं ही। तांबे, हाँ बोलिए। अगर रोहित को बोल रहे हैं सपना, हाँ बोलता बोलता जल्दी। हे कुलकर्णी, हाँ बोल, रोहित को बोल सपना शेट्टी की लाइन पे है, जल्दी आ। जेकब, हाँ बोल, क्या बोल रहा है? रोहित को बोल शेट्टी और सपना लाइन में है। विशाल, हाँ बोल, रोहित को बोल सपना शेट्टी को लाइन मारने लिए, जल्दी आ। ए मोहित, हाँ रोहित को बोल शेट्टी सपना पे लाइन मार रहा है। रोहित जल्दी चल, वो शेट्टी सपना पे लाइन मार रहा है। हेलो हेलो रोहित। हाँ सपना, हाँ क्या, एक सेकंड। हेलो, हाँ सपना बोलो, यहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है सर, एक सेकंड। हेलो, हाँ सपना, तो अब क्या कह रही थी तुम? मैंने तो अब तक कुछ कहा ही नहीं। Yeah.
मुझे तुम्हारी तरह कहना कहाँ आता है? बताना तो आता है। अच्छा बता, आजकल तुम्हें भी मेरी तरह नींद नहीं आती है ना? हाँ। आजकल तुम्हें भी मेरी तरह भूख नहीं लगती है ना? हाँ। आंखें बंद करते ही मेरी तस्वीर नजर आती है। हाँ। और जी करता है कि हम दोनों आमने सामने बैठकर बातें करते रहे, बहुत सी बातें। हाँ। लेकिन किसी भीड़ में नहीं, अकेले में, कोई ऐसी जगह जहां सिर्फ तुम हो और मैं, है ना? हाँ। तो आज रात। हाँ। सपना, हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। क्या ढूंढ रहे हो? आपकी हंसी कहीं खो गई है, उसे ढूंढ रहा हूं। मिल गई। आप हंसती हैं तो बहुत अच्छी लगती है। और मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे हंसाते हैं। मेरा दिल धड़क रहा है रोहित, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम यहां से चली जाओ, सपना। रोहित प्लीज, ठीक है, मेरे जाने से अगर तुम्हारा डर कम होता है तो चला जाता। मत जाना, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। रोहित, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे दूर जाने के ख्याल से डर लगता है। डर लगता है कि कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना पड़ जाए। मैं जानती हूँ कि नवरात्रि के ये दिन खत्म हो जाएंगे
और उसके बाद ना तुम यहाँ आ पाओगे और ना मैं इस पिंजरे से निकल पाऊंगी। इस पिंजरे का ताला तो उसी दिन टूट गया था सपना, जब हम दोनों पहली बार मिले थे। तुम उसे देख नहीं पा रही क्योंकि तुम्हें खुद उस पिंजरे की आदत सी हो गई है। मेरी आंखों से देखो सपना, पिंजरा खुल चुका है, तुम्हें सिर्फ उड़ना सीखना है, जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा सपना, आज नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं। समझ में नहीं आ रही। ये पिक्चर नहीं, जिंदगी है, झूठ नहीं, सच है। तो फिर सच तुम बताओ, क्योंकि मैं तो सपना हूं। Excuse me. ये लीजिए मैडम, फ्रेंच फ्राइज, वेज बर्गर एंड कोक। लेकिन रोहित, हम बैठेंगे कहाँ? यहाँ तो एक भी टेबल खाली नहीं है। रोहित, क्या क्या हुआ रोहित? तुम ठीक तो हो रोहित? रोहित, रोहित, ये क्या हुआ तुमको रोहित? रोहित, तुम ठीक तो हो ना रोहित? रोहित, रोहित, क्या हुआ तुमको रोहित? बैठो 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 बैठ बैठ। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया रोहित? तुम ठीक तो हो ना रोहित? खाओ ना। अरे वो तुम्हारी उल्टी सीधी पड़ गई। हाँ, हाँ, यानी कि वो हो
ए रोहित, हाय। अरे बहुत अच्छा माल है यार, कीप इट अप, कीप इट अप। रोहित, ये माल क्या होता है? माल माल माने इंसान, अच्छे इंसान को अच्छा माल कहते हैं। रोहित, एक बात कहूं तुमसे, तुम भी बहुत अच्छे माल हो। लाइट को क्या हो? एक कमरे की बत्ती ठीक करने के चक्कर में पूरे घर का फ्यूज उड़ा दिया है आपने। अब ये लाल पीले तारों को जोड़कर पूरे घर में धमाका मत कर दीजिएगा। मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम्हारे घर में रहते हुए किसी दूसरे धमाके की जरूरत है क्या? है? देख नहीं रही हो, फ्यूज तो लगा दिया मैंने। रुकिए रुकिए, उन तारों को मत छेड़िए। माँ, लगता है लाइट ही गई हुई है। रोहित, तू अचानक कैसे आ गया बेटा? तुम्हारा सपना पूरा करने आया हूँ मां। सुन रहे हैं आप? अब आप कितना ही अंधेरा कर लीजिए, आपकी लाइट आए या ना आए, मेरे घर में तो रोशनी आ गई। तो ये है सपना? अरे अरे, ये क्या कर रही हो बेटी? हमारे घर में पैर नहीं छूते, गले लगते हैं। लो बेटा, ये कंगन पहन लो। लो भाई, मेरी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, अब तुम जानो और रोहित जाने। लेकिन आंटी। नहीं बेटा, आंटी नहीं, मां बोल। क्यों मां? निशा, इधर आओ। जी? सपना कहाँ है? यही कहीं होगी। यहाँ नहीं है। अपने कमरे में होगी। बुलाओ उसे। रहने दीजिए ना। बुलाओ उसे। सपना? सपना,
समझ लो रोहित, ऐसा महसूस हुआ कि मैं अपनी माँ से बात कर रही हूँ। इतना प्यार, इतना अपनापन, अगर तुम मेरी जिंदगी में नहीं आते तो... अब तो आ गया हूँ। अब तो तुम चाहो तो भी मैं तुम्हारी जिंदगी से निकलने नहीं वाला। तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। नीचे गिटार बजाने में नहीं। क्या हुआ? सपना कहाँ है? जी? सपना कहाँ है? अपने कमरे में है। तो बुलाओ उसे। सो रही है। अच्छा, क्या बात करनी है आपको उसके साथ? सुबह कर लीजिए ना। सामने से हटो। वो अभी अभी तो सोई है, सोने दीजिए ना उसे, प्लीज। सुनिए तो, बच्ची है, थक गई होगी, सोने दीजिए ना उसे। सुनिए तो, पेपर में बाबूजी के बारे में ऐसा छपा है। रमन जी, आप ढूंढ रहे थे मुझे? नहीं, बोलती बंद हो गई। क्या? वो बोलती बंद हो गई थी ना स्पीकर की, उसी को ठीक करने गया था। एक्चुअली थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। क्या यू सी द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन द ह्यूमन ऑडिटोरी रिसेप्शन व्हिच फेवर द बोन्स ऑफ द हैमर एनविल एंड स्टिरअप लिंक्ड विद द हाइपोथैलेमस ऑन द अदर साइड ऑफ द सेरेबेलम इंटरपोज्ड विद द सेरेब्रम बट जक्सटापोज्ड विद द अल्फा लेवल्स ऑफ द सोनिक वेव्स द मास ऑफ अ गैदरिंग व्हिच इज डायगोनली अपोजिंग द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ज्योमेट्रिक कॉलरी ऑफ द बीटा फ्रीक्वेंसीज वाज कंप्लीटली एंड सेवरली एंड टोटली टर्मिनेटेड। क्या? तार निकल गया था, उसी को ठीक करने गया था। अब सब कुछ फर्स्ट क्लास सुनाई दे रहा है। समझ गया मैं। या के ड्रम बजाओ। आओ चलो। ये क्या कह रही हैं आप भाभी? आप ही तो हमेशा कहती थी कि एक दिन मेरा राजकुमार आएगा और पिंजरा खोल के मुझे खुले आसमान में लेकर जाएगा। और अब जब मुझे मेरे अपने सपनों का राजकुमार मिल गया है तो आप ऐसा कह रहे हैं भाभी? अगर आपको मालूम होता कि रोहित ने इन कुछ दिनों में मुझे इतना कुछ दिया है तो आप ऐसा कभी ना कहती। इन चार दीवारी की बाहर की दुनिया इतनी खूबसूरत हो सकती है कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये देखिए भाभी, ये कंगन रोहित की मम्मी ने खुद अपने हाथों से मुझे पहना है। उनसे मिलकर मुझे पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार क्या होता है, घर की खुशी क्या होती है। पहली बार मैंने इतने छोटे से घर में इतने बड़े लोगों को देखा है। लेकिन इस बड़े घर में सब लोग बड़े नहीं है सपना, तू भूल रही है। हम इस घर में अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ऐसा मत कहिए भाभी, रोहित से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो मैं सिर्फ सांस ले रही थी, जीना तो मैंने अब से शुरू किया है रोहित के साथ। आई अंकल। हस्सु। कैसी बेटा? ठीक हूँ। अबे गफूर, अबे तेरे भी यार, यार वाली बात की है तूने। मुझे मालूम था कि तू जरूर आएगा, लेकिन इतने जल्दी आ जाएगा ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अबे यारों का यार हूँ मैं, और जिंदगी में पहली बार तेरी बलूस खोपड़ी में कोई ढंग की बात आई। नमस्ते। इससे पहले कि तू दोबारा कुछ सोचे, मैं अपनी फौज लेके पहुंच गया यार। भाभी जी, इसे कल भी मुझ पर भरोसा नहीं था, आज भी भरोसा नहीं है। आप अपने पति को लंदन ले जाइए, सिडनी ले जाइए, लेकिन रहेगा देसी लंगूर का लंगूर ये। हाँ। इनकी छोड़िए भाई साहब, पहले ये बताइए हमारी बेटी को कहाँ छुपा के रखा? हाँ, है कहाँ जाएगी भाभी? अंदर है, रात के फंक्शन की तैयारी कर रही है। शाबाश। कितने अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। रहा विदेश में लेकिन है हिंदुस्तानी का हिंदुस्तानी। एक बात तो बता, इतना अच्छा समझदार लड़का
तो जैसे उल्लू के घर में पैदा कैसे होगा? अरे ये तो अच्छा हुआ कि मेरे घर पैदा हुआ, तेरे घर पैदा होता तो उल्लू का उल्लू ही रहता। अच्छा अब यारों की तरह यही बाहर खड़ा रखेगा या समझी की तरह अंदर भी ले जाएगा? अरे भाई लड़की का रिश्ता करने के लिए बुलाया है तो रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी ना। देखो सही, तेरी खातिर का क्या इंतजाम किया है। आ जा, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा।